हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम हमारे .NET कोर MVC के अंदर बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम विजुअल स्टूडियो 2022 प्रीव्यू वर्जन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से हम हमारा एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। देन अब यहाँ से हम इसका टेम्पलेट सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर लेने वाले हैं मॉडल व्यू कंट्रोलर .NET कोर में। यहाँ से नेक्स्ट करते हैं। अब इसका कोई नाम रख देते हैं, मैंने इस पे अभी बूटस्ट्रैप इसका नाम रख दिया, बिकॉज अभी बूटस्ट्रैप हम किसी इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। देन हम इसे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट लोड हो गया। हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में देख सकते हैं ये फोल्डर्स हैं। अभी हमारे पास हमारे व्यूज़ के अंदर दो पेजेस पड़े हुए हैं, इंडेक्स डॉट सी एच टी एम एल एंड प्राइवेसी डॉट सी एस एच टी एम एल। इंडेक्स डॉट सी एच एस टी एम एल में चले जाते हैं। इसमें कैसे हम बूटस्ट्रैप यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें कुछ एच टी एम एल के हमारे डिफॉल्ट टैग्स यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए हम चले जाएंगे W3C स्कूल और जो भी एच टी एम एल के हम सिंपल टैग्स मिल सकते हैं हमें। यहाँ से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ एंड नाउ यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिए। यहाँ पे हम इसका टाइटल रख लेते हैं, बूटस्ट्रैप प्रोग्राम। तो अब हम इसमें बूटस्ट्रैप को यूज़ करेंगे। सबसे पहले गूगल पे जाते हैं हम। यहाँ पर टाइप करेंगे बूटस्ट्रैप 5CDN, सर्च करेंगे। बेसिकली अभी हम यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 पर यूज़ करने वाले हैं। बूटस्ट्रैप 5 की CDN फाइल हम यूज़ करेंगे। अब हम एक सिंबोसिस फाइल भी ले सकते हैं और हम कंप्लीट बंडल भी इसमें डाउनलोड कर सकते हैं सेपरेटली। अभी यहाँ से हम इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे, देन अपने प्रोजेक्ट पर चले जाते हैं। एंड अब हमारे हेडर सेक्शन के अंदर यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं। हमारी CDN फाइल यहाँ पे ऐड हो गई बूटस्ट्रैप के लिए। ये याद रखना कि बस जो CDN फाइल है हमारी बूटस्ट्रैप की, वो अब CDN है तो ये इंटरनेट के बिना नहीं चलेगी। अभी हम यहाँ पे एक इनपुट टैग बना लेते हैं। इसका टाइप रख देते हैं टेक्स्ट एंड इसको नेम दे देते हैं फर्स्ट नेम एंड इसको वैल्यू अभी कुछ नहीं देंगे। तो सिंपल हमने एक टैग बना लिया। नाउ एक और इनपुट बना लेते हैं जिसका टाइप हम रख देते हैं बटन। इसमें हम इसकी वैल्यू दे देते हैं सेव। हमने ये दो बटन अभी बना लिया। अब हम हमारे प्रोजेक्ट को एक बार रन करते हैं। नाउ आप देख सकते हैं ये हमारे बिना बूटस्ट्रैप के दो हमारे टेक्स्ट बॉक्स है एंड एक बटन है जिस पे कोई बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं हुई। अब अप्लाई करेंगे तो हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस हम यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे सिंपल क्लास एंड यहाँ पर लिख देंगे फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म कंट्रोल एक बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट है। नाउ अब यहाँ पर बटन के लिए हम लिख देंगे क्लास। अब इस पर हम देंगे BTN। देखिए यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, ये सब बूटस्ट्रैप की क्लासेज हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। BTN अभी हम प्राइमरी लगाना है, हम यहाँ पे प्राइमरी कर देंगे। ना वो फिर से इसे रन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अब ये कुछ अलग दिख रहा है पहले से। अब इसका टेम्पलेट पे अलग से आउटलाइंस वगैरह आ गई हैं। ये सेव बटन है। अब जैसे इसमें बहुत सारी क्लासेस है, दूसरी करनी है प्राइमरी आउटलाइन। देख सकते हैं अब ये अब बाहर से इसके जो बॉर्डर्स हैं वो ब्लू कलर के हो गए। इस तरह से हम बूटस्ट्रैप को अपने .NET कोर MVC प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं CDN के थ्रू। इसको ऑफलाइन भी हम इजीली डाउनलोड कर पाएंगे, वो हम अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में चेक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।